युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग को नूरपुर में 1.5 करोड़ की गाड़ी को आधे से कम कीमत पर पंजीकरण करवाकर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से मामले की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में भी गाड़ियों की खरीद को लेकर हुए भ्रष्टाचार व फार्म 21 और 22 को बदलकर गाड़ियों की कीमतों में हेराफेरी कर टैक्स चोरी के मामलों का फर्जीवाड़ा जो हुआ है उस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि प्रदेश में हो रहे बड़े घोटालों पर रोक लग सके और इस तरह के मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार से निवेदन करती है कि आपकी सरकार बने हुए 3 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है और सारी फाइल आपके पास पड़ी है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ही सरकार को क्यों याद आता है और तब ही ऐसे मुद्दे उठाती है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं तो उन पर भी उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि आप तो प्रदेश के मुखिया ही हैं, आपको तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो 2 दिनों में कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसमें देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस प्रशासन तथा सरकार का घेराव करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा सिंपल एक मुद्दा है कि जैसे नूरपुर में, इंदौरा में, फतेहपुर, जहाँ भी ये गाड़ियों की, पालमपुर में, जो सोलन में, कहीं भी अगर गाड़ियों का ये फर्जीवाड़ा हुआ है, हम ये प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आप फॉर्म 21 और जो 22 इन्होंने चेंज किया वो किसके कहने पे किया, बस हमारा और कोई इशू नहीं है। अब सहवाग के यहाँ पे स्कूल है, है ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी उन्होंने गाड़ी रजिस्टर कराई, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी क्या डॉक्यूमेंट में 1.5 करोड़ की ही है? क्या वो गाड़ी 1.5 करोड़ की, मतलब 50 लाख की तो नहीं है? हमारा मुद्दा ये है कि अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी अगर 50 लाख में रजिस्ट्रेशन करते हैं वो क्यों कर रही है और किसके बना पे किया है? क्योंकि जो जो उसके पीछे जो काला बाजारी है, जो पैसा उन्होंने हड़पा है, वो लाखों में है, तो वो प्रदेश सरकार को जाए, दलालों को गया। जो आप सहवाग की बात करें, कौन सहवाग है और क्या करना चाहेंगे जी? सहवाग जिसकी आपने बात की है, ये कौन है? देखिए, वीरेंद्र सहवाग हमारे देश के एक बहुत ही नामी क्रिकेटर रहे हैं, है ना, और हम भी उसकी उनकी इज्जत करते हैं। हमारा सिर्फ सिंपल ही मुद्दा है कि अगर उनकी गाड़ी 1.5 करोड़ की है तो वो 1.5 करोड़ में ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, है ना। उसका जो टैक्स बनता है वो टैक्स सरकार को दिया जाए, वो 1.5 करोड़ की 70-75 लाख में नहीं होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन। जो उसमें टैक्स बचा है वो दलालों की जेब में नहीं जाना चाहिए, वो सरकार के जेब में जाना चाहिए, जो सरकार वो पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करे। जो आज कोविड के टाइम में उनके लाले पड़े हुए हैं, लोन लिया जा रहे हैं और अपने ऐश परस्ती किए जा रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार उस पर गंभीर काम करे। देखिए, हमारा सिंपल एक बोलता, हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हर टाइम प्रदेश सरकार को बताते हैं कि भैया आपने ये गलती करी है, और आज भी वो पिछले 5-6 दिन से लगातार प्रेस आपके द्वारा ही, प्रेस के बंधुओं के द्वारा ही ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया टैक्स चोरी हुई है, टैक्स चोरी जो जिसने की है वो टैक्स वापस दिया जाए, प्रदेश के जो राजस्व का नुकसान हुआ उसको वापस किया जाए, लिया जाए। जैसे हमारा कोई मुद्दा थोड़ी है, अगर इस सरकार इसमें बाज नहीं आती है तो हम एसडीएम साहब का घेराव करेंगे। एसडीएम का अगर नहीं मानते तो हमारे लिए ऑफिस धर्मशाला और आरटीओ ऑफिस और शिमला आरटीओ ऑफिस घेराव करेंगे, डायरेक्टर ऑफिस घेराव करेंगे। अगर सरकार की क्या मजबूरी थी, वो उन्होंने कैंसिलेशन क्यों करी? अगर इसमें इसका मतलब कि कहीं कहीं दाल में काला है, अगर कैंसिलेशन की है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। जो टैक्स कम लिया गया टैक्स लिया जाए, अगर आपने ठीक है, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो तो भैया टैक्स ले लो, द्वारा से कर दो इशू। सरकार कुछ भी कर सकती है ना, तो सरकार की सीबीआई जांच करवाए। अगर सीबीआई अपने एजेंसियों से उनको सरकार को विश्वास नहीं है, वो सीबीआई में जांच कराए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सामने ला देना। और दूसरा एक मुद्दा जो आजकल चला है बड़ा मुद्दा, कि आने वाले, मतलब सीएम साहब डरा रहे हैं कि मैं, भैया आपकी फाइलें मेरे पास हैं, आप चुप रहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो प्रदेश सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस आपसे डिमांड करती है कि भैया 3.5 साल पहले आप 3.5 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो फाइलें आपके पास उसी समय से हैं, उसी समय से आपके पास इशू हैं, उसी समय से आपके पास सबूत हैं, तो आप तब से करते हैं ना। आज चुनाव का टाइम आने लग पड़ा, आपको मतलब आग लगाने लग पड़े। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे नेताओं ने कोई गड़बड़ी की है, उनको आप कार्रवाई करो। आज नहीं, आप प्रदेश के मुखिया हो, आप 2 दिन में कार्रवाई कंप्लीट करवाओ। तो आप अगर आपने ये कार्रवाई करवानी है तो आपको किसी की जरूरत, मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप कार्रवाई करो। आपकी चोरी कहाँ है वो देखिए। आपने इतना टैक्स चोरी कर लिया गाड़ियों के नाम से, आपने आने वाले, मतलब सैनिटाइज घोटाला, पीपीटी घोटाला हो गया,
कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपने किए हैं, आपने आपको शरीफत मुख्यमंत्री बताते हैं, भैया आप शरीफत मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और हमारे नेताओं के ऊपर बोल रहे हैं कि आपने कुछ चोरी की है। अरे कुछ चोरी नहीं किया, हम कहते हैं कि हमारे नेताओं ने 100% चोरी की है, प्रदेश की जनता भी जानती है कि उन्होंने चोरी की है, परंतु अगर चोरी की है तो आप उनको अंदर करो, हमारी हमारे नेता के मुकर तो नहीं रहे कि भाग तो नहीं रहे हैं, यहीं प्रदेश में घूम रहे हैं, तो आप उनको अंदर करो। ये गिदड़ भोंकिए मत दो ना कि भैया आपको हम अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, 3.5 साल से आपने अंदर नहीं किया, आज 1.5 साल बचा है लोगों को। ये मुद्दा जो लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि लोग हमसे ये ना पूछे कि भैया 1 साल पहले कोरोना जब आया था तो प्रदेश की स्थिति क्या थी, और अगर 1 साल बाद फिर कोरोना लौटा है तो प्रदेश की स्थिति कहाँ है। लोग ये ना पूछे सवाल, लोग ये सवाल ना पूछे कि भैया हमें राशन कम मिल रहा है, लोग वो सवाल ना पूछे।